हेलो, अज मैं तुहानू कहानी सुनाउण जा रही हाँ माँ दी पुक्कल। इस दे लेखक हन गुरप्रीत सिंह पंबर। हजे भी गुस्से हो मेरे नाल? परमिंदर बोली, नहीं, राजदीप ने कहा, तां पासा वटी क्यों पए हो? नींद आउंदी है मैनू। राजदीप ते परमिंदर दा नवा नवा विआह होया सी ते राज परमिंदर नाल गुस्से हो गया सी। तुसीं वी एवें निक्की जी गल ते गुस्से होई जा रहे हो। मैं अलार्म भी लाया सी पर मैनू नहीं पता क्यों नहीं वज्या। मैं थकी हुई सी, बस इसे लई लेट हो गई अज सवेरे उठण नू। परमिंदर बोली, माँ कोलों तां मैनू सुनना पिया ना, बड़े बीजी ने जे कहा सी तां तुहानू वी ध्यान च रखना चाहीदा सी ना इंदर, कि सवेरे जल्दी उठ आपां बीजी दे छोटे भैण हरनाम कौर दादी जी दे घर पानीपत जाना है। तुसी लेट हो गए ते अज जाया नहीं गया। त्योड़ियां पाई राजदीप बोलिया, बड़े बीजी राजदीप दे दादी जी सन। अज सारा दिन बड़े बीजी ने भी मेरे नाल गल नहीं कीती ते हुण तुसी भी नाराज़ हो। परमिंदर बोली, माँ जी भी अज चुप सन। मेरा तां दिल घबराया पिया राज, तुसी दसो की करां? मैनू नहीं पता, मैनू सौण देवो प्लीज़। परमिंदर ने सोचिया वो उठ के अपनी सस नाल गल करके आउंदी है। जदों वो उठी तां दरवाज़ा खोलण लगी, दरवाज़ा खुले ना। राज, आ दरवाज़ा तां बाहरों बंद पिया है। परमिंदर ने राज नूं कहा, लै आए किवें हो सकदा है? राज बोलिया ते बैड तो उठ के परमिंदर कोल आया जो दरवाजे कोल खड़ी सी। उसने दरवाजा देखिया तां दरवाजा सच्ची बाहरों बंद सी। लगदा जाम हो गया है, राज बोलिया। की होया जी? परमिंदर ने पूछया, पै गया नवा पंगा, जद दा तेरे नाल विआह होया कोई ना कोई चक्कर ही पई जांदा है। खिजिया होया राजदीप बोलिया, लो दसो राज, मैं की कीता हुण? विचारी जी बनी परमिंदर बोली, जो कीता तू ही कीता। राज फिर बोलिया। परमिंदर घबराई जी खड़ी रही। अचानक बिजली चली गई, कमरे विच घूक हनेरा छा गया। हाय, आ की हो गया जी? परमिंदर बोली। उसने राज दा हाथ फड़ लिया सी पर राज ने उस तो अपना हाथ छुड़ा लिया। कित्थे हो जी तुसी? डरी हुई परमिंदर बोली। इन्ने नू दरवाजा बाहरों खुलिया ते परिवार दे सारे मैंबर रौला पाउंदे एकदम अंदर आ गए ते कमरे विच रोशनी दोबारा आ गई। परमिंदर हैरान रह गई कि अचानक ये की होया। जदों बड़ी बीजी दे हाथ विच केक देखिया तब परमिंदर नू याद आया कि अज तां उसका जन्मदिन सी, वह तो भुली ही बैठी सी। याद भी किवें हुंदा, कदे अपना जन्मदिन मनाया ही नहीं सी परमिंदर ने। माता पिता दे मरण समय वह सिर्फ 7 सालां दी सी। उस नूं उसदे चाचा जी ने पालिया सी जिन्हां दे अपनियां भी 2 धीआं सन जो मांवारियां सन। परमिंदर दी चाची ते उसदे माता पिता एक बस हादसे दा शिकार हो गए सन। गरीबी नाल लड़दे हुए चाचा जी ने परमिंदर नूं पाल तां दित्ता पर अपनी माँ दी कमी परमिंदर नूं हमेशा महसूस हुंदी रही सी। उसने अपने चाचा जी कोलों कदे कुछ नहीं सी मंगया। जिथे चाचा जी ने तोरिया परमिंदर बिना कुछ कहे तुर पई। अज जदों बड़े बीजी ने परमिंदर नूं अपनी छाती नाल लगाया तां लग्या जिवें माँ ने बुक्कल विच लै लिया होवे। परमिंदर रोण लग गई। कमली ना होवे तां रोनी क्यों आ? आ सारा कजिया एदा खड़ा कीता है, इन्हें कहा सी तैनू सरप्राइज देण नू। चल हुण
दस की तोहफा लैना मेरी धी ने। बड़ी बीजी बोली जान पर परमिंदर बस रोई जाती सी। तोहफा तो उसनू उसे पल मिल गया सी जो बड़ी बीजी ने उसनू अपनी बुकल विच लिया सी। शुक्रिया, परमिंदर ने राज नू किया। पार्टी वास्ते कि सरप्राइज़ वास्ते, राज ने पूछया। मैनू मेरी माँ की बुकल वापस देन वास्ते, परमिंदर बोली। धन्यवाद।